गुमला जिला के घाघरा बिशुनपुर व गुमला सदर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह के 7 बजे से प्रारंभ हो गई है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के भारी संख्या में महिला पुरुष वृद्ध युवा युवती व नए मतदाता पहुंच कतार में खड़े होकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच सदर प्रखंड के 500 गांव के बूथ संख्या में सुबह के 7 बजे से समय पर मतदान शुरू हो गया। हालांकि कई जगहों पर 5-10 मिनट के विलंब भी हुए। प्रथम चरण के चुनाव को लेकर एक दिन पूर्व बुधवार को शाम में ही सभी क्लस्टर में मतदान कर्मी को पोलिंग पार्टी के साथ भेज दिया गया था, जो सुबह बूथ पर पहुंच व्यवस्था में लग गए थे ताकि समय पर सभी जगहों पर मतदान शुरू हो सके। हालांकि बूथों पर उमड़ती भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंचायत चुनाव में गांव की सरकार चुनने में लोग कितने उत्साहित हैं। बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई जगहों पर सीआरपीएफ, जेजे व होमगार्ड आदि के जवानों की तैनाती बूथों पर की गई है, जिससे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से मतदान कराया जा सके। कई बूथों पर एसपी ने बताया है कि सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा की सहायता से भी नजर रखी जा रही है, जबकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा है कि पहले चरण के दौरान जो कमी व खमियां रह गई थी उसे इस बार पूरा करने का प्रयास किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।